जल, जंगल और जमीन झारखंड की पहचान है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती इसे तमाम राज्यों में एक अलग पहचान भी दिलाती है। लेकिन जल स्रोत और खुले मैदानों में कचरा फेंककर और पुरानी धुएं फेंकती गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ाकर हम पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। जो तस्वीरें जमशेदपुर से आई है वो डरावनी है, साथ ही चेतावनी भी देती है। इधर उधर से आके और जब कभी देखता है कि चारों तरफ गंदगी भरल है तो अच्छा महसूस नहीं होता है, इसलिए सब मिलके ये काम हो जाए तो बढ़िया रहेगा। साफ सफाई बहुत जरूरी है भाई। जिला प्रशासन कुछ करती है? जिला प्रशासन कहाँ कुछ नहीं कर रही है, अभी तो हाल फिलहाल में पर्व वो बीता है, पहल नहीं हुआ है। नदी का साफ होना कितना? नदी का साफ होना तो माने हम समझते हैं 16-17 आना माने जायज है। नहीं, यहाँ नदियों की हाल खराब है, हवा की हालत खराब है और राज्य में कहीं भी कोई प्रदूषण नापने वाला यंत्र नहीं लगा है, इसलिए झारखंड और यहाँ के जो शहर हैं ये विश्व के वायु प्रदूषण के नक्शे से ये बाहर हैं। तो धारणा तो ही जाएगी साहब, झारखंड में कहीं प्रदूषण नहीं हो रहा है। जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हमारा है वह अक्षम हो गया है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि नियंत्रण कर सके। उसका काम केवल उद्योगों को कंसेंट टू ऑपरेट देना रह गया है और समय से पर उनका इंस्पेक्शन करके उनके काम में एक तरह का हस्तक्षेप करना रह गया है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि नीति तो बनी हुई है, भारत सरकार ने भी बनाया है, नोटिफिकेशन 2006 का निकला हुआ है। नियत सरकार की अगर हो जाए कि हमको प्रदूषण दूर करना है, दूर होगा। यहाँ देखिए विडम्बना है कि आप जाएंगे वन विभाग का मुख्यालय है डोरंडा में, तो सामने एक साइन बोर्ड लगा है जिस पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का डेटा आते रहता है। मैंने पूछा कि आपकी मशीन कहाँ है, 2 साल पहले वन विभाग के सचिव का PCCF सबकी मीटिंग बुलाई थी, मैंने पूछा कि आपकी मशीन कहाँ है, ये मशीन लगी हुई है उनका जो गेस्ट हाउस है उसके पास। तो सड़क से उतना दूर जाके गेस्ट हाउस में तो कोई प्रदूषण होगा कि नहीं, क्या आप नापिएगा साहब? ये जो दिखाया जा रहा है आंकड़ा फर्जी है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।